नमस्कार, मैं हूं धर्मेश पटेल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं पलाश के औषधीय गुण। तो जानते हैं पलाश के औषधीय गुण क्या है। दूध के साथ प्रतिदिन एक पलाश पुष्प पीसकर दूध में मिला के गर्भवती माता को पिलाइए। इससे बाल वीर्यवान संतान की प्राप्ति होती है। नारी को गर्भधारण करते ही अगर गाय के दूध में पलाश के कोमल पत्ते पीसकर पिलाते रहिए तो शक्तिशाली और पहलवान बालक पैदा होगा। यदि अंडकोश बढ़ गया हो तो पलाश की छाल का 6 ग्राम चूर्ण पानी के साथ निगल लीजिए। पेशाब में जलन हो रही हो या पेशाब रुक रुक कर हो रहा हो तो पलाश के फूलों का 1 चम्मच रस निचोड़कर दिन में बस 3 बार पी लीजिए। बवासीर के मरीजों को पलाश के पत्तों का साग ताजे दही के साथ खाना चाहिए, लेकिन साग में घी ज़्यादा चाहिए। बुखार में शरीर बहुत तेज दाहक रहा हो तो पलाश के पत्तों का रस लगा लीजिए। शरीर पर 15 मिनट में सारी जलन खत्म हो जाती है। जो घाव भर ही न रहा हो उस पर पलाश की गोंद का बारीक चूर्ण छिटक दीजिए। फिर देखिए, फील पाम या हाथी पाम में पलाश की जड़ के रस में सरसों का तेल मिलाकर रख लीजिए बराबर मात्रा में, और फिर सुबह शाम 2-2 चम्मच पीजिए। नेत्रों की ज्योति बढ़ानी है तो पलाश के फूलों का रस निकालकर उसमें शहद मिला लीजिए और आंखों में काजल की तरह लगा कर सोया कीजिए। अगर रात में दिखाई न देता हो तो पलाश की जड़ का अर्क आंखों में लगाइए। इसके बीजों को नींबू के रस में पीसकर लगाने से दांत खाज खुजली में आराम मिलता है। इसी पलाश से एक ऐसा रसायन भी बनाया जाता है जिसके अगर खाया जाए तो बुढ़ापा और रोग आसपास नहीं आ सकते। उसके पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करने से चांदी के पात्र में किए गए भोजन के समान लाभ प्राप्त होते हैं। इसका गुण हड्डियों को मजबूत बनाता है। पलाश का 1-3 ग्राम खून मिश्रयुक्त दूध अथवा आंवले के रस के साथ लेने से बल एवं वीर्य की वृद्धि होती है तथा अस्थियां मजबूत बनती हैं और शरीर पुष्ट होता है। नाक, मल, मूत्र मार्ग अथवा योनि द्वारा रक्तस्राव होता हो तो छाल का काढ़ा 50 मिली बनाकर ठंडा होने पर मिश्री में मिला के पिलाए। वसंत ऋतु में पलाश लाल फूलों से लद जाता है। इन फूलों को पानी में उबाल कर केसरी रंग बनाइए। यह रंग पानी में मिलाकर स्नान करने से आने वाली ग्रीष्म ऋतु की तपन से रक्षा होती है तथा कई प्रकार के चर्म रोग भी दूर होते हैं। इसी इन्हीं गुणों के कारण ब्रह्मवृक्ष कहना उचित है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।